वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। मैंने आप लोगों को अपना पहले का गेटअप नहीं दिखाया, मतलब यार स्टार्ट होते हुए भी मैंने सोचा हर व्लॉग स्टार्ट होते हुए मैं इतनी मनहूस दिख रही होती हूँ, तो आज मैं आप लोगों को शॉक कर दूँ और आज मैं प्यारी दिखूँ। तो आज मैं पूरी तैयार हुई हूँ और अब मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस लिखे और मेरे यूट्यूब के व्लॉग के अंदर नीचे आप लोग कमेंट इतना अच्छे अच्छे करते हो, तो बहुत सारा शुक्रिया आप सबको। और अभी आज हम लोगों के अब बस आखिरी के दिन बचे हैं पाकिस्तान में और आज हम लोग जा रहे हैं पोर्ट ग्रैंड, नाम है ग्रैंड पोर्ट कुछ ऐसा नाम है, पोर्ट ग्रैंड नाम है, आई एम सॉरी। तो ये जगह का नाम है एंड मुझे कुछ नहीं मालूम इधर क्या होता है क्या नहीं होता। अयप्पे और मम्मा को पता है, आई थिंक ये लोग पहले गए हैं, बाकी मुझे नहीं पता। मैं तो फर्स्ट टाइम है सब एक्सप्लोर करने का। तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं और मैंने बहुत प्यारा अपना लुक क्रिएट किया है और मेकअप या ये झुमकियाँ मैंने मम्मा मेरे लिए लेकर आई, पता नहीं क्या बोलती मम्मा कौन से रोड से मैं भूल गई, आई डोंट नो। ये ड्रेस मम्मा खाड़ी से, हम लोग ने ये तो हम लोगों ने साथ ही जाके पिक किया था और ये झुमके मुझे याद नहीं आ रही है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। खैर मेरे न्यू झुमके हैं तारिक रोड, ओके तारिक रोड से ये झुमके बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, मेरे झुमके बहुत पसंद आए। मैं आप लोगों को अपना फुल आउटफिट बाहर चल के दिखाती हूँ और दिखाती हूँ और लोग भी कैसे रेडी हुए हैं। ये मैं कुछ ऐसा रेडी हुई हूँ, इसके साथ ये दुपट्टा है, सही है इसको मतलब साइड पे भी आप लोग कर लो। और ये ड्रेस काफ़ी लूज़ है, मतलब अगर टाइट होता तो इतनी फिटिंग पे आता, बट ये लूज है, लूज फिट है बेसिकली, बैगी फिट बोलते हैं उसको। सो ये मेरा आउटफिट है, ये इसके साथ ऐसे है और मुझे ये बहुत हसीन लगा है, मतलब ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ये प्रिंट आजकल इतना चल रहा है और जिस तरीके का ये गला है परफेक्ट। सो अभी देखते हैं ये लोग कैसा तैयार हुए हैं। अभी मैं अप्पी के रूम में जा रही हूँ। ओ माय गॉड, अप्पी तो पूरी रेडी होके खड़ी हुई है। हाय बोलो। हाय अप्पी, ना जी पिंक पहना है, शॉकिंग पिंक पहना है अप्पी ने। और अप्पी का क्लोज अप लुक बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही हो आप। हम कहाँ जा रहे हैं आज? क्या बोलते हो उसे, वो बोलता था ना तारक मेहता का चश्मा में, कोठम गिरी क्या, नहीं क्या होता है, कौन सा अल्फाज है पता नहीं, मैंने क्या बोल दिया, स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा, स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा, नहीं यही बोलता है, मेरी कंठन समथिंग। आज हम कहाँ जा रहे हैं? पोर्ट ग्रैंड ना, पोर्ट ग्रैंड। हाँ ये क्या होता है बेसिकली? पोर्ट ग्रैंड इज बेसिकली जैसे कि ग्लोबल विलेज है ना, वैसे ही समझो, छोटा सा ग्लोबल, वैसा नहीं है, इतना वो नहीं है, ग्रैंड नहीं है, मतलब ये आउटडोर है, यस यस, शॉपिंग मॉल है, फूड स्ट्रीट है और समुंदर है और ये सारी चीजें। इंडोर कुछ भी नहीं है, इंडोर खाने की जगह है और मॉल भी है अंदर छोटा। चलो सही है, थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा, इंडोर लाजिम चाहिए, बहुत कमीनी गर्मी हो गई है भाई, वहाँ पे इतनी लगेगी नहीं लगेगी, चलो फिर अच्छा है। अब हम सब रेडी, वो जैसे कि उस जगह पे बनाया था ना, खुली जगह में वैसे। हाँ ओके चलो, अब तुम बुलाओ ड्राइवर को, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, ओके। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं, ये जगह का नाम है, और आज जो है वासी को वासी के दोस्तों से मिलने जाना था, तो वासी ने हमें ज्वाइन नहीं किया, बट क्या पता कुछ टाइम बाद अब्दुल वासी भी यहाँ पर आ जाए। और अभी मैं अपना ब्लॉग इस वजह से यहाँ पर आके कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि रास्ते में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मेरा फ़ोन पकड़ने का दिल ही नहीं किया। जगह बहुत प्यारी है यार, जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है और समय अच्छी बात, यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही। मॉम ऊपर ट्रेन चढ़ती है क्या, चढ़ती है सॉरी चलती है, ट्रेन की आवाज़ है, ट्रेन की है गाड़ी। ओ ये देखो ऊपर ट्रेन चढ़ने का रास्ता है, चलने का यार, सॉरी मॉम, प्यारी लग रही हो आप बहुत। मम्मा के बैग की चेकिंग हो रही है, मेरे पास से भी है, अंदर से ऐसा दिखता है ये। टिकट लेना पड़ेगा, हाँ टिकट का प्राइस ये है गाइस। तो अब हम लोग अंदर आ गए और यहाँ पे एक लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है, इतना प्यारा, वाओ सो क्यूट यार, वाओ $1 वर्ल्ड है वहाँ पे, यहाँ पे पोर्ट ग्रैंड है और यहाँ पे से छोटी छोटी ना जगहें बनी हुई है यार, ये जगह सेम दुबई जैसी लग रही है, बस गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, बाकी सेम दुबई है ये। मामा कहाँ गई, मॉम तो पता नहीं कहाँ ही चली गई। देखो गाइस कितनी प्यारी जगह है, लग ही नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ, कराची में हूँ, बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक मैंने जो जो जगह एक्सप्लोर की है ना, ठीक है। बिल्लू यार,
आई मिस माई कैट्स. ये क्या है? What the hell? मैं बोलूँ मैंने क्या कर दिया? हद हो गई अभी. देखो गाइस ऐसे यहाँ पे स्टॉल्स हैं प्यारे प्यारे, बड़े मस्त हैं. मॉम वाओ, टैटू बनवाऊंगी मैं, तो टैटू बनवाऊंगी. ये खिलौने की शॉप्स हैं यहाँ पे. आई डोरेमोन, देखो डोरेमोन मेरा फेवरेट वाला डोरेमोन. और ये वाला टॉय ना ये बड़ा फेमस हुआ है, इससे कुछ भी बोलो ये आगे से बोलता है. वाओ ज्वेलरीज भी है. और क्या है? ग्रैब एंड गो. अच्छा ये खाने की, अच्छा ये आगे अपना खाने की जगह है, स्टार्ट है. ये सारी खाने की जगह है यार. ये फेमस ये तुर्की वो आइसक्रीम है ना, ये हर जगह ही होती है दुनिया के ना हर कोने में आपको ये मिलेगी. ये पाकिस्तान में भी मिल गई मुझको, पर मुझे ना यहाँ की आइसक्रीम इतनी अच्छी नहीं लगती. और ये क्या है? अच्छा ये एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है. वाओ शिप टाइप का रेस्टोरेंट है, कितना प्यारा लग रहा है. अंदर ये लोग खेल रहे हैं, मुझे ये फ़ोन में खेलना आता है, ये 8-ball pool है, लेकिन मुझे रियलिटी में खेलना नहीं आता. रियलिटी में सिर्फ लोगों को खेलते हुए देख सकती हूँ. मुझे फ़ोन में आता है खेलना, रियलिटी में नहीं आता मुझे. अभी देखो यंग भाई अंकल जो भी करेंगे. अरे गया नहीं क्या? अरे जा रही जा रही जा रही जा रही गया. वाह अच्छा है किया, एक गया एक गया. ओके अब इसका देखते हैं. आई थिंक इसको ब्लैक को डालना है, ब्लैक को निशाना लगा रहा है ये, मेरे ख्याल से ब्लैक को निशाना लगा रहा है. नहीं ओ ओ, ओ नहीं नहीं क्या कुछ भी नहीं क्या. चलते हुए आ रही थी क्योंकि हम मम्मा ने बोला कि वो फूड स्ट्रीट तो पूरी रात खुली रहेगी, हम लोग कोई फन वाली जगह पे जाते. तो वापस आते हुए देखो मुझे क्या मिला. मेरे को तो बड़ा शौक है जानने का कि क्या होगा, मैं तो रहती ही क्यूरियस हूँ. तो अभी मैं जाती हूँ. अब मेरे हाथ पड़ेंगी 1000 अम्मा. तो एपी ने ये टैरोट कार्ड रीडिंग करवाई थी जो एपी के लिए बहुत ख़राब आई. एपी ने बोला कि मेरा फियोन से ये होगा वो होगा, तो सारा ही रॉन्ग आया. वो तो बेचारी मंगनी है उसकी और ये भाली और ये पाकिस्तानी आंटी बोलती है पाकिस्तानी हो. आजमाना भी ऐसा हुआ कि अब मैं करवाऊँगी, लेकिन मैं टैरोट कार्ड नहीं, मैं हाथ की रीडिंग करवाऊँगी. अच्छा इसमें हैंड रीडिंग करवा रही है? हाँ क्योंकि सेम हो जाएगा ना मेरा आजमाना मेरा. ओके इसमें हैंड रीडिंग करवा रही है. नहीं नहीं प्लीज ये ना बताना, ये तो मैं बताऊंगी नहीं. मैं आपको बताऊंगी हाथ में सिर्फ आपकी शख्सियत नजर आती है, आपका टैलेंट, आपका एटीट्यूड. वो तो है ही नहीं मेरे नजर आती वो बहुत है. नहीं नहीं आप सवालों के जवाब बताते हैं. नहीं आप बताएं मेरी शादी कब होगी मुझे भी जानना है. बताइए मेरी मेरी माँ पढ़ सकती है? तो आप उनसे पढ़वा लेना. वो पढ़ती नहीं है. आपकी शादी की लाइन नहीं होती, ये लव लाइन होती है. लव लाइन बता दें. चलिए बताए मैं अमीर होंगी. चले आप कुछ अच्छा पढ़ के बता दें. शख्सियत शख्सियत में आप मुझे क्या बताएंगे? अरे पर्सनालिटी, टैलेंट, आपका एटीट्यूड, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी नेगेटिविटी. चले फिर आप मेरा ना फ्यूचर के टैलेंट कार्ड्स पढ़ लें, ये ज्यादा सही रहेगा ना. ओके मेरे टैरोट कार्ड्स पढ़े जा रहे हैं फ्यूचर के लिए. जी नहीं नहीं उन्होंने पहले ही बोला गलत सवाल पूछोगे तो गलत जवाब आएगा. सवाल पूछो. क्या हुआ इस बार? कुछ तो हुआ. क्या पूछ रही हो? अच्छा पूछ रही है. रुक रुक सब सही कब होगा? सब सही कब होगा? बहुत बीमारी का. हाँ हाँ और कोई सवाल? दूसरा सवाल लाइसेंस कब लेगी? मैं कभी दुबई से बाहर जाऊंगी? के लिए हम 3 साल के कार्ड निकालेंगे, 3 साल में हम देखेंगे. सारे कार्ड्स विंटर है, विंटर में 2025 के विंटर में. इसके विंटर में क्या होगा मतलब? टाइम पीरियड होगा वो आपने बताया. तब सही जब हो जाएगा?
बेटरमेंट होगी, मतलब बेटरमेंट है जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, बात ये है, देखिए माइंड को ना पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कोई भी काम है। सही सही, अगर आपके माइंड में गलत होगा, झूठ होगा, नेगेटिविटी होगी, कार्ड भी रखे जाएंगे, जब आप पैसे दिए जाएंगे तो गलत होगा। खराब कार्ड है? नहीं खराब नहीं आया है, मैं आपको एक बात समझा रही हूँ। Okay. मैंने अपना डेबिट कार्ड रीडिंग करवाई, लेकिन जैसे कि अप्पी ने भी करवाई है, मैंने भी सेम ही चीज़ करने की कोशिश करी कि भाई बस आजमाती हूँ। तो उस आंटी को कुछ पता वता नहीं था यार, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने हाथ के बारे में भी गलत ही बोला है कि इसके अंदर इतना कुछ नहीं होता। हालांकि मैंने जहाँ तक मुझे पता है कि हाथ के अंदर इतना कुछ होता है कि हमारे लाइक इन अस इट्स हराम, इट्स टोटली फॉरबिडन टू डू दिस हैंड रीडिंग, यू नो इतना इसमें लिखा होता है। तो इस आंटी को नहीं मालूम था, तो इस वजह से हमने बस ट्राई मारी तो फजूल हो गया ट्राई। कोई भी यहाँ पे आए ना करे, बिल्कुल ना जाना आंटी के पास। गाइस मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने अपने लिए ये पीने के लिए है, और ये रही बग्गी है, यप्पी बैठ गई है इसके ऊपर से जाना है। हम लोग बैठ गए बग्गी में, बढ़िया बग्गी। हमने बस एक राउंड कितना सा इतना सा राउंड है चलाया तक नहीं है, बस ऐसे लेकर आगे। मैंने अपने एक वीडियो बनवाई और मेरे यूट्यूब का वीडियो नहीं बन पाई, इतना छोटा सा राउंड है। बट चलो कोई बात नहीं, खैर ये ऐसा दिखता है, प्यारा है। इस तो मैं पिछले यहाँ पे आई थी, यप्पी को नेकलेसेस पसंद आए थे एंड मुझे ये भी पसंद आया यार, एकदम ऐसे जैसे कि नहीं खटान लोग पहनते हैं और अफगानी, कितना प्यारा लग रहा है। देखो अभी लग के तो दिख नहीं रहा होगा, बट मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, सो मैं ये लूँगी अपने लिए। और यहाँ पे सर का भी है, बट सर का मेरे पास आई गेस है घर में, मुझे याद नहीं है, तो ये प्यारा है। भाई इसके साथ के झुमके नहीं होंगे आपके पास, कुछ ऐसा इसके साथ मैचिंग हो जाए दिखाना तो। ऐसे और है एक दो गोल्डन, नहीं गोल्डन नहीं, गोल्डन तो इतना नहीं चलेगा। स्टेप के नहीं नहीं नहीं, वो पुराने वाला मम्मा मम्मा आ गई। ओके सो गाइस, काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद अब हम सबकी टाई टाई फिश हो चुकी है आज। बहुत मज़ा आया यार, ये पोर्ट ग्रैंड तो बड़ी मज़े की जगह है, लेकिन ज़्यादा मज़ा और आ सकता है अगर मतलब विंटर के टाइम यहाँ पे बनता है, जब यहाँ पे ना थोड़ी सी ठंड हो रही हो या ठंड हो रही हो, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है बट गर्मी भूल जाता बंदा। एक्चुअली ये भी एक बात है कि अच्छी जगह हो ना तो आप गर्मी भूल जाते हो। मैंने वो अपनी लिए एक और बार ये पकड़ी है, पहले मैंने जूस पकड़ा था उससे मेरी प्यास नहीं मिटी, तो मैंने ये पकड़ लिया, गला सही हुआ नहीं कि वापस मैं आ गई इन सब चीज़ों पे। तो खैर अब हम लोग घर जाएंगे ना, मतलब वास के पास मॉल जाएंगे, फिर वासु को पिक करके हम लोग घर निकलेंगे। नहीं नहीं फिर क्या, नहीं नहीं खाना खाएंगे, खाना कहाँ से खाएंगे। भाई मैं बता दूं, अभी से मेरी वार्निंग सुन दो, सब मेरी वार्निंग कान खोल के सुन लो, अगर इनर नहीं हुआ ठीक है, इनसाइड नहीं हुआ आउटसाइड हुआ मैंने नहीं जाना, क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है, ये लोग मुझे सीरियस लेते ही नहीं है। मैंने लोगों को बता दिया है कि भाई हम लोग कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे अंदर का पूरा एसी का सिस्टम बना हुआ, तो हम कुछ क्या रास्ता करके एक जगह वहाँ जा रहे हैं। और अब मैं अपना फ़ोन अंदर रख रही हूँ, चोर की डर की वजह से, पता नहीं चोर तो आज तक मिला नहीं, लोग बोलते हैं चोर है चोर है, कहाँ है चोर वो तो नहीं मालूम, बट मम्मा बोल रही है फ़ोन अंदर रख दो, तो मैं मम्मी को फ़ोन दे दूँगी और अभी हम चलते हैं ठीक है। अब हम मॉल के अंदर जाएंगे अपने भाई को लेने के लिए। मम्मा बिल्ला हाय बिल्ला क्या, जब बंद करूंगी तब बताऊंगी। ओके बाय। सो गाइस फाइनली हम लोगों को एक रेस्टोरेंट मिला, जिधर हम लोगों को बड़ी मुश्किल से एक प्राइवेट स्टाफ, हाँ स्टाफ बड़ा मस्त है, तो हम लोग को ये अंदर एक प्राइवेट जगह मिली है जहाँ पे ना हम लोग आराम से बैठ के अपना खाना पीना कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं होगा, मैं अभी आप लोग दिखाती हूँ कितना प्राइवेट है। ये देखो गाइस कितना मस्त इन्होंने प्राइवेट बनाया हुआ है एंड इतना अच्छा है ना, एकदम सुकून मिल गया। और अब हम लोग कुछ खाने पीने के लिए मंगवाएंगे, मैं तो मन नहीं कुछ खाने का, तो थोड़ा सा ही मंगवाऊंगी या इन लोगों से थोड़ा थोड़ा खा लूंगी। अभी देखते मुझे तो फुल मस्त भूख लग रही है, मुझे भूख नहीं लग रही, मेरी तबीयत खराब की वजह से ना। ये था अपने दोस्तों से मिलने के था, ये बताओ तुमने ये किया क्या आज, हाँ जाके एक भी मैसेज नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ अपने, मारूंगा
सो गाइस हम लोग यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे ना बड़ी प्यारी सेलिब्रेशन का बना हुआ ऊपर दिखा हुआ से इतना अच्छा बना हुआ किस तरह से बेहद बेचारे मैं आज ही अपनी हैप्पी बर्थडे कर डालू बट जो कि मेरी बर्थडे नहीं है तो पता नहीं किसकी है मैं उसका ये यार ये फ्रेश है जब भी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है पता नहीं किस लड़की की बर्थडे बड़ी स्पेशल है उसके लिए इतनी अच्छी किसने करवाई है मैं जल के खाक हो गई बर्थडे केक काट रहा है ये गाइस ये काला जादू हो रहा है इधर एक्चुअली इसके फ्लावर खराब करें नहीं 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 कुछ खराब नहीं करना बड़ा प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है बहुत प्यारा डेकोरेशन किया यार बहुत बड़ी चीज है गाइस तो आप लोग भी यहां पे आके अपनी करवा सकते हो बड़ी प्यारी कराची में जगह अलस्का करके अच्छी है चल इससे पहले हमारा अलस्का निकालो हाँ मैं पहचानने में नहीं आ रही लोग सोच रहे होंगे अभी से क्या हो गया इस वजह से ऐसा हो गया जब बंदा थोड़ा सा रिलैक्स था तो उसकी शक्ल में फिटकार खुद ही खुद बढ़ जाती है तो मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ ओ वाह वाह वैसे ही लोग चिढ़ाते ब्राइटनेस की दुकान अभी सब आ गए तो गाइस अब मैं अपना ब्लॉग पागल की बच्ची ओए मम्मी को पागल नहीं बोला सर धड़ से ओके बाय गाइस कल के व्लॉग में अरे नहीं करो कल के व्लॉग में आना अपना ख्याल रखना और प्लीज मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर करवा दो बाय अल्लाह होंगे 2 लाख।